पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उम्मीद संस्था की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर एक साथ मतदाता जागरूकता रैली निकाली और सभी को मतदान के प्रति जागरूक किया। प्रगति विहार से शुरू हुई जागरूकता रैली मझोला लाइन पार्क क्षेत्र में घूमकर वापस प्रगति विहार में आकर संपन्न हुई। की तरफ से जो हमारा मतदान जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके तहत में उम्मीद संस्था के बच्चों ने और अन्य अन्य संस्थाओं के अधिकारियों ने मिलकर रैली निकाली। हमारा मकसद यही है कि 19 अप्रैल को लोकसभा की जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना मत करें सभी लोग। जागरूकता अभियान था हमारा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग 19 तारीख को अपना मतदान। मल्केश्वर गोला, आज मतदाता जागरूकता अभियान उम्मीद एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा किया गया है और ये इसमें इनके द्वारा सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें परिवर्तन द चेंज, प्रकृति सेवा समिति और अन्य समितियां भी आई हुई हैं और मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन प्रगति बिहार से निकालते हुए मंझोली चौराहा होते हुए तब पुनः इनके कार्यालय पर आके समापन। उम्मीद संस्था की तरफ से ये प्रगति विहार कॉलोनी है, जहाँ पर इनकी एक बहुत अच्छी शिक्षा का एक इनिशिएटिव यहाँ पर चलता है। यहाँ पास के ही मलिन बस्ती के बच्चे यहाँ पर निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम में हम सब लोग आए हैं आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत। स्वीप के तहत विभिन्न विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा गया है और हमारे जिला प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है कि सभी सामाजिक संस्थाएँ अपने अपने स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम करें और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कार्य करें और लोगों से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट के लिए कार्य कराएं। जैसे अभी देखा जाए तो कुछ हमारे यहाँ के ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर 50% भी कुछ स्टेशंस पे वोटिंग नहीं हुई होती है। तो ऐसे बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हमने प्रयास किया है, हमारे साथ जितनी सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हैं सब ने प्रयास किया है कि ऐसे पोलिंग बूथ पर जाकर के लोगों को जागरूक किया जाए और उन एरियाज में जाकर के काम किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए आएँ और एक सफल लोकतंत्र की पहचान बने। नमस्कार, जैसे कि हम सभी ने आज उम्मीद संस्था की तरफ से रैली का आयोजन किया था, तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, इस रैली के माध्यम से भी यही विनम्र निवेदन किया गया है कि सभी लोग अपने मत का पूर्ण रूप से उपयोग करें, सदुपयोग करें और अपना 19 अप्रैल को अपना वोट, अपना अमूल्य वोट सही दिशा में दें, देश हित में दें और अपने देश को आगे बढ़ाएं और ऐसे मतलब व्यक्तित्व को दें, ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट दें जिससे कि हमारे देश हित में, हमारा देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो भी आगे रहेंगे वो अपना काम कर सके। और साथ ही क्योंकि ये वोट हमारा बहुत अमूल्य है, हमारे वोट का बहुत सदुपयोग है, यदि अगर हम अपना वोट नहीं देंगे तो शायद हम अपने देश को पीछे लेके जाएंगे। तो सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग अपने मत का उपयोग करें, सदुपयोग करें और सही प्रत्याशी को सोच समझ कर अपने वोट को, वोट का दान करें। सर्वप्रथम सभी को हरित प्रणाम और बहुत अच्छी पहल ये स्वीप के द्वारा हुई है कि मुरादाबाद में सभी सामाजिक संस्थाओं को एकत्र करके और मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए, जैसा कि अभी कपिल भाई ने और अन्य साथियों ने बताया कि मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए और एक जन जागरूकता आम जन में करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज इसी क्रम में जो है उम्मीद संस्था द्वारा यहाँ पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 19 अप्रैल को जो है वो अधिक से अधिक अपने महत्वपूर्ण मताधिकार का उपयोग करें। देखिए, हमारे पूरे संपूर्ण जो हमारा भारत है इसका महापर्व होने जा रहा है और महापर्व का पहला चरण है 19 अप्रैल को। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम सबका एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रहित में मतदान किया जाए। इसी उद्देश्य से सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी का एक ही उद्देश्य है कि मुरादाबाद के वासी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर 19 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। बस यही हम लोगों का कहना है और सबसे मैं एक पुनः अपील करना चाहूंगा कि मुरादाबाद में 100% मतदान होगा तो हमारे मुरादाबाद का भी गौरव बढ़ेगा, राष्ट्र का भी गौरव बढ़ेगा। जय हिंद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।